हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भिक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, पीटी एग्ज़ाम से पहले ही लाखों उम्मीदवार हुए बाहर, एग्ज़ाम भी चलेगा। तो फ्रेंड्स, लाखों उम्मीदवार तो बाहर हो ही चुके हैं, अब पता नहीं इन्हें दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो बाद में पता चल पाएगा। अगर वो प्रयास करते हैं तो फिर उन्हें शायद मौका मिल भी जाए या फिर नहीं मिल सकता है, कोई अभी नहीं, फ्यूचर की बात है। लेकिन लाखों उम्मीदवार के बाहर होने से जो है, जो लोग इसमें बचे हुए हैं, यानी जो लोग खुशनसीब हैं जिन्हें मौका मिल रहा है एग्ज़ाम में बैठने का, उन्हें इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। यानी कि कहा जाए तो इस बार कम मेहनत पे आप सफलता आसानी से पा सकते हैं, या फिर दूसरे भाषा में कहें तो एवरेज स्टूडेंट्स भी इस बार सफलता पा सकते हैं। यानी कि कंपटीशन इस बार काफ़ी इजी रहने वाला है। अब लोग सोचेंगे मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कौन से लाखों स्टूडेंट बाहर हो गए, एग्ज़ाम टलने में क्या कहना चाह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एग्ज़ाम टलने की बात कर लेते हैं। आज आप जान रहे 10 तारीख हो चुका है और 20 अगस्त को आपका एग्ज़ाम जो है प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड की कोई सूचना नहीं आई है UP SSC की तरफ से। और आपको मालूम है इसके पोस्टपोन होने के पीछे बहुत सारे कारण भी नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता है पोस्टपोन हो भी जाए। अभी आप देख रहे हैं कि हर जगह बाढ़ आ गया है, पूरा इलाहाबाद डूब गया, फिर बुंदेलखंड साइड देखें पूरा मतलब बाढ़ आ गया। आप न्यूज़पेपर में देखेंगे, न्यूज़ वगैरह में देखेंगे तो हर जगह लगभग पूरे यूपी में बाढ़ आ गया है। खास करके हम पश्चिमी यूपी बात करें या फिर मध्य यूपी बात करें तो फिर बाढ़ का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब ये भी एक कारण सामने आ गया है कि एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन हो सकता है। और भी कुछ कारण हैं जो UP SSC बताना नहीं चाह रहा है, ठीक है। अभी तक एजेंसी का कंफर्मेशन नहीं है कि कौन सी एजेंसी UP SSC ने हायर किया, कौन सी एजेंसी हायर नहीं किया है, यानी कि उनका टेंडर फाइनल हुआ या नहीं, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है यहाँ पे। और आपको मालूम है UP SSC ने TCS को बैन कर रखा है। आप TCS के अलावा देखिए कौन सी एजेंसी जो एग्ज़ाम करा पाती है, उसके अलावा बहुत सी एजेंसीज हैं, लेकिन जो UP SSC है वो किसे हायर करती है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो NCERT भी एग्ज़ाम करा सकती है, फिर NTA एग्ज़ाम करा सकती है, मतलब बहुत सी एजेंसी इसके अलावा भी है, लेकिन UP SSC किसको हायर करता है या फिर कौन उसके मतलब कि उम्मीदों पर खरा उतरता है, ये तो अभी UP SSC जाने का अभी तक पब्लिक नहीं किया इस बात को। और मुझे लगता है अभी तक जो है टेंडर भी फाइनल हुआ नहीं इन लोग का, यानी कि अभी तक एजेंसी मिली नहीं है। तो यहाँ से एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के भी चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ। आप लोग एग्ज़ाम पे फोकस करिए, जो लोग इसमें अपीयर होने वाले हैं, यानी जो लोग खुशनसीब हैं कि एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल है। क्योंकि मैं बताया ना कि जैसे बहुत लोग कैंडिडेट बाहर हो गए, अब कैसे बाहर हो गए ये आपके मन में कन्फ्यूज़न होगा। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ कि फॉर्म अप्लीकेशन जो अप्लाई हुए थे उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आपको मालूम है कि UP में कोई वैकेंसी आती है, अगर ग्रेजुएशन लेवल वैकेंसी आती है तो लगभग क्या होता है कि 15-16 लाख फॉर्म पड़ते हैं, केवल ग्रेजुएशन लेवल वैकेंसी आती है तब। और अगर बात करें 12th लेवल वैकेंसी आती है तो लगभग 22 लाख फॉर्म पड़ जाते हैं, 21-22 लाख फॉर्म पड़ जाते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड्स, ये तो 10th लेवल की वैकेंसी थी, यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा था कि लगभग 30 लाख फॉर्म पड़ेंगे। मैं भी आपसे कहा था कि 30 लाख के आसपास फॉर्म पड़ सकते हैं, उससे ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इतनी मतलब बड़ी वैकेंसी है और केवल 10th लेवल पे आ रही है। सोचने वाली बात है, इसे बताया गया था 50,000 भर्तियाँ आ सकती हैं, मतलब आने वाली थी, लेकिन वैकेंसीज तो घटाते जा रहे हैं लोग, कभी 50 बोले, फिर 40 बोले, फिर 35 बोले, फिर 25 पे लाख रोक दिए, ठीक है। तो इससे क्या था, उम्मीद ये बढ़ गया था कि फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़ेंगे, लेकिन आपको मालूम है सर्वर इशू होने की वजह से लगभग कह सकते हैं कि 10 लाख कैंडिडेट्स बाहर हो गए। क्योंकि 30 लाख का उम्मीद लगभग सभी ने लगाया था, मैं भी आपसे यही बोला था, क्योंकि जब UP में कोई वैकेंसी आती है वो 10th लेवल पे, तो 30 लाख के आसपास फॉर्म पड़ ही जाते हैं। और फॉर्म का रेशियो हमेशा बढ़ता रहता है हर साल, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, वैकेंसीज कम होती जा रही हैं और नए लड़के तैयार होते जा रहे हैं, तो 30 लाख तो फॉर्म पड़ना ही पड़ना था। तो यहाँ से देखा जाए फ्रेंड्स, अगर जो 10 लाख कम हुए, क्योंकि अभी फॉर्म आपको मालूम है 20 लाख 70 लाख आसपास पड़े हुए हैं, तो जो 10 लाख कैंडिडेट्स कम हुए हैं उनमें हम कह सकते हैं कि अगर 50,000 कैंडिडेट्स भी सीरियस रहे होंगे तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। फ़ायदा इसलिए मिलने वाला है क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो PET का कट ऑफ है वो फिक्स नहीं है कितने मार्क्स पे बनेगा, या फिर एक ही कट ऑफ हर एक वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा, अप्लीकेबल नहीं होगा, आपको मालूम है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, वैकेंसी टू वैकेंसी वेरी करेगा, और आपका जो कट ऑफ है ये परसेंटेज में डिसाइड नहीं होगा, परसेंटाइल में डिसाइड होगा। परसेंटाइल में डिसाइड होगा यानी कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, ठीक है। और वैसे भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे डिपेंड करता ही करता है, क्योंकि उनका स्कोर जो है कंपेयर किया जाता है, तो फिर आपका रैंक डिसाइड होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वालिफाई किया जाता है फिर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, जब 10 लाख कैंडिडेट्स लगभग कम हो गए हैं ऑन एवरेज देखा जाए, क्योंकि जब 10th की मतलब वैकेंसी थी और 30 लाख की जगह 20 लाख केवल फॉर्म पड़े हैं, तो आप समझ सकते हैं केवल 60% फॉर्म ही अप्लाई हुए हैं। और आपको मालूम है 15 गुना बुलाया जाना है। तो अगर हम लेखपाल भर्ती को ही ले लें, जो बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती मानी जाती है अपने यूपी में, और ये लगभग 6 साल बाद आ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए हो सकता है। फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं, बताइए लगभग 7882 पोस्ट है, और अगर 15 गुना की हम बात करें तो कह सकते हैं कि 15×8=120, यानी कि लगभग 1,10,000 1,15,000 कैंडिडेट्स से बुलाने वाले हैं, और टोटल कैंडिडेट्स केवल 20 लाख हैं, जबकि रहते 30 लाख अगर पूरा फॉर्म पड़ा होता, अगर वो लोग अप्लाई कर पाते तो, ठीक है।
तो लोग अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं, वो लोग कोर्ट में भी गए हैं, कोर्ट केस चल रहा है, आपको मालूम है अभी उसकी हियरिंग फिर से 12 तारीख को होने वाली है और 12 तारीख की हियरिंग शायद फाइनल हियरिंग है। तो हमें ये लगता है कि कोर्ट केस की वजह से भी एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है और UP SSC जो है एडमिट कार्ड नहीं दे पा रहा है, क्योंकि UP SSC जान रहा कहीं ना कहीं अगर वो कोर्ट केस जीत जाते हैं जो कैंडिडेट्स गए हुए हैं हाई कोर्ट, तो फिर UP SSC फंस जाएगा बुरी तरीके से और एडमिट कार्ड देने के बाद उसे कैंसिल करना पड़ जाएगा, यानी कि एग्ज़ाम फिर से पोस्टपोन करना पड़ जाएगा। और कुछ फेक नोटिस भी वायरल होने लगे हैं कि एग्ज़ाम जब आपका 20 अगस्त को नहीं 19 सितंबर को होगा, लेकिन वो फेक है फ्रेंड्स। जब तक ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए ऑफिशियल साइट पे, तब तक आपको किसी के बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, चांसेस तो दिख रहे हैं, कारण भी कई सारे दिख रहे हैं, कोर्ट केस है, बाढ़ है और बहुत सारी मतलब एजेंसी का इशू है, वही कई सारे इशूज़ हैं जिसके वजह से लग रहा है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन अभी तक UP SSC ने इसे कन्फर्म नहीं किया है। तो मैं अभी यही कहूँगा कि आप लोग 20 अगस्त को ही मान के अपना प्रिपरेशन करें और अधिक से अधिक मॉक टेस्ट लगाएं, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ भी, उसे ऑफलाइन लगाएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि एग्जाम ऑफलाइन होने वाला है। तो आप हो सके तो OMR सीट भी खरीद लें मार्केट से और उसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि OMR सीट पे सर्कल करना वाला बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। कुछ लोगों को जिनको प्रैक्टिस नहीं रहता है वो लोग सही से सर्कल नहीं कर पाते हैं और उनको उनमें काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। यहाँ तक कि मुझे प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स ऑफलाइन एग्जाम्स में, ऑनलाइन में अच्छा रहता है कि टिक करना रहता है, तो फ्रेंड्स आपको उसका भी प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। और अगर आप OMR सीट पे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे तो कम से कम मॉक तो लगाइए, मतलब टिक करके केवल आंसर चेक कीजिए अपना, फिर उसे एनालाइज करिए कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, कौन सा वीक जोन है, मतलब कहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। यानी कि अब लास्ट टाइम है, कल 10 दिन बचे हुए हैं, तो आपको अधिक से अधिक मॉक लगाने चाहिए और इससे अच्छा मौका आपको मिलने वाला नहीं है। अब सोच लीजिए कल 20 लाख कैंडिडेट्स हैं, उनमें से 1 लाख क्वालिफाई होंगे लेखपाल भर्ती के लिए, तो आप समझ सकते हैं कट ऑफ कितना जा सकता है। यानी कि इसमें अगर आप 60 मार्क्स भी स्कोर कर लेते हैं, कुछ लेवल नॉर्मल रहता है, तो मतलब एवरेज लेवल एवरेज लगभग रहता है, कोई भी एग्जाम बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता, कोई एग्जाम या बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है। अगर आप 60 भी स्कोर कर लेते हैं तो आपका फुल चांस बन जाता है कि आपका कोई भी शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, यानी नॉमिनेशन का भी कोई इफेक्ट है उससे ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, लेकिन अगर आप 60 भी स्कोर कर लेते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के, यानी कि आप मेंस में पहुंच जाएंगे। वैसे तो UP SSC ने भी कहा था, UP SSC का स्टेट हर जगह यही कहा गया था कि आपको बार बार फीस भरने से आज़ादी मिल जाएगी, बार बार फॉर्म से आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे क्या फीस और एक्स्ट्रा बढ़ गया है और एग्ज़ाम भी अब दोबारा देना पड़ेगा। पहले क्या था, अगर ये PET नहीं आया होता, सिंगल एग्ज़ाम होता, तो एक बार फॉर्म अप्लाई होता, एक बार फीस लगता, एक बार एग्ज़ाम देने जाना पड़ता। लेकिन क्या कहा गया था, क्या लॉजिक दिया था गवर्नमेंट तरफ से, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट तरफ से, यानी कि CET और PET के बारे में कहा यह गया था कि आपको बार बार फीस नहीं देना पड़ेगा, बार बार एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा और एग्ज़ाम के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। भाई ये तो मालूम है PET जो है आपका नज़दीक एग्ज़ाम होगा, लेकिन ये लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर जो है आपके होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलेगा। अभी कुछ वायरल नोटिस भी देख ही रहे हैं आप, लिस्ट वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि यहाँ इतने लोग सेंटर गया, इतने लोग सेंटर गया, तो वो कन्फर्म नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, वो ऑफिशियल नहीं है, उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये तो तय है कि आपका सेंटर कुछ ऐसा ही बनेगा, हो सकता है होम सिटी भी कुछ लोग को मिल जाए, लेकिन मुझे मैक्सिमम चांसेस यही लग रहा है कि सबका आपस में इंटरचेंज कर देगा, इनका यहाँ उनका ऐसे कर देगा, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका फ़ायदा कहाँ है, नुकसान ही है। आपका एक एक्स्ट्रा एग्ज़ाम बढ़ गया, एक एक्स्ट्रा फीस बढ़ गया, एक एक्स्ट्रा एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के लिए खर्च बढ़ गया, तो मतलब कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जबकि गवर्नमेंट इसका उल्टा कुछ बोली थी। गवर्नमेंट ये बोली थी आपको बार फीस नहीं देना पड़ेगा, एक बार की फीस देने में सारे एग्जाम्स हो जाएंगे, और ऐसे सारे एग्जाम्स अलग अलग फीस भरने पड़ते थे। और वैसे अब क्या कहा जाए फ्रेंड्स, प्रेजेंट में क्या देख रहे हैं आप, देखिए सभी एग्जाम के अलग अलग वैसे भी फीस भरना ही पड़ेगा और ये एक्स्ट्रा बर्डन हो गया, यानी कि जो गवर्नमेंट बात कही थी जस्ट इसका उल्टा हो गया है, और गवर्नमेंट का यहाँ से एक्स्ट्रा इनकम होगा, एक्स्ट्रा कमाई होगी और पेरेंट्स कुछ खास फायदा नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे नुकसान ही है, जिनका फॉर्म छूट गया मान लीजिए उनका पूरा साल भर बर्बाद है, आखिर बर्बाद ही है ना, उनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। वैसे क्या था, अगर कोई एक फॉर्म छूट जाता है तो फिर आदमी दूसरे में अप्लाई कर लेता है, बट यहाँ पे क्या है, उनका छूट गया तो फिर साल भर खत्म है। लेखपाल की वैकेंसी है, फिर उसका जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, फिर वीडियो की भी वैकेंसी अगले साल आ सकती है, तो सारी वैकेंसी उनके लिए छूट जा रही है। यानी यहाँ पे मुझे फायदा तो बहुत कम दिख रहा है, बहुत कम बिल्कुल दिख नहीं रहा कह सकते हैं, केवल नुकसान ही नुकसान दिख रहा है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा एग्जाम देना पड़ा, एक्स्ट्रा फीस देना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा मतलब आपको जर्नी करना पड़ जाएगा। तो यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, फिर भी देखिए क्या होता है। अब आपको आपके हाथ में तो कुछ है नहीं, जब एग्ज़ाम होने जा रहा है, अगर 20 अगस्त को हो ही जाता है एग्ज़ाम, तो फिर आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, यानी कि आपको पूरी तरह से प्रिपेयर होना होगा। आपको ये मान के चलना है कि आपको 75+ स्कोर करना है, तभी आप इसमें कंपटीशन में आ सकते हैं। वैसे मैं आपसे कह रहा हूँ 60+ भी अगर स्कोर कर देते हैं तो आपका कन्फर्म है, लेकिन फिर भी अगर आप टारगेट रहते 75+ का तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी कि कोई वैकेंसी रहेगी तो आपके लिए मतलब कि ये चांस रहेगा कि आप उसमें क्लियर कर लें, क्योंकि मान लीजिए 78-82 में लेखपाल को बताया, लेखपाल ने बताया 60+ पे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, मतलब आप मेन से पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी वैकेंसी की हम बात करें, जिस वीडियो की बात करें, तो उनमें क्या होता है, उनमें बहुत कम वैकेंसीज होती है और उनके लिए कट ऑफ आप जानते हैं अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि उनमें भी यही सब कैंडिडेट्स रहेंगे, मतलब यही रिजल्ट चेक किया जाएगा, तो यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी बढ़ जाएगा। जूनियर स्टैंड में भी कट ऑफ काफ़ी बढ़ जाएगा, मतलब कि 80% से ऊपर भी जा सकता है जूनियर स्टैंड के लिए, ठीक है। तो आपको क्या है, प्रिपेयर रहना होगा 75+ के लिए। मैं 80% क्या बोलूँ, परसेंटाइल की बात किया हूँ, ना कि मार्क्स की, ठीक है, ना कि परसेंटेज की। तो मैं परसेंटेज पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, वैसे आप लोग को मतलब मालूम ही होगा इसके बारे में, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स आप लोग अगर इसके लिए एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है, तो आप एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लग जाइए। अब टेलेगा नहीं टेलेगा अभी कन्फर्म नहीं, एक दो दिन और वेट कर लेते हैं। मान लीजिए आपका परसों कोर्ट का हियरिंग है, परसों का ज़्यादा कंफर्मेशन हो जाएगा, हो सकता है उससे पहले ही आपका एडमिट कार्ड आ जाए, अगर इन्हें एग्जाम करना होगा 20 अगस्त को, तो अदरवाइज अगर परसों तक नहीं आता है फिर समझिए एग्जाम आपका पोस्टपोन हो चुका है इंटरनली, बस नोटिस नहीं दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना है,
थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।